नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी के लिए हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण का कोर्स चला रहे हैं और इसमें आज हम लेक्चर 13 में डिस्कस करने वाले हैं विशेषण और विशेषण के प्रकार। ये टॉपिक आपके सिलेबस में है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो विशेषण क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, किस प्रकार आपको पहचान करनी है विशेषण की, इसके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसके नोट्स दोस्तों और एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू इसके, वो आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे विशेषण की। विशेषण क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला। अभी विशेषता किसकी बताता है, आप किसकी विशेषता करते हो, आप किसी व्यक्ति की विशेषता कर सकते हो, किसी प्राणी की विशेषता कर सकते हो, किसी स्थान की विशेषता कर सकते हो, किसी शहर की विशेषता कर सकते हो या किसी वस्तु की विशेषता कर सकते हो। यानी किसकी विशेषता में बतानी है, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी प्राणी की। और व्यक्ति, वस्तु, प्राणी ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं संज्ञा, अर्थात संज्ञा की विशेषता बताने वाले। और संज्ञा के लिए हम प्रयुक्त क्या करते हैं, सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को दोस्तों क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे परिभाषा, शब्द का अर्थ समझ के आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो परिभाषा, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, अब विशेषता क्या हो सकती है, उनकी गुणों की विशेषता हो सकती है, वो संख्या हो सकती है उनकी, उनका परिमाण हो सकता है, बतलाते हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे, महेश लंबा है। तो महेश तो है लेकिन वो कैसा है, उसकी विशेषता क्या है उसमें, तो वो लंबा है। महेश छोटा है। यहाँ पे देखो श्याम सांवला है, तो श्याम कैसा है, वो है सांवला, उसकी ये विशेषता है जो उसमें ये विशेष गुण दिख रहा है। घोड़ा सफेद है, ये घोड़े का क्या है, गुण है कि वो क्या है, सफेद है। वह बहुत सुंदर है, वो क्या है, बहुत सुंदर है, ये उसकी क्या है, विशेषता है। जैसे मैंने बोला कि मैंने आम खरीदे, लेकिन मैंने बोला फिर कि मैंने दो किलो आम खरीदे, तो मेरी विशेषता क्या, आम तो मैंने खरीदे लेकिन कितने खरीदे, 2 किलो खरीदे। तो ये यहाँ पे संख्या बता रहा है, यानी ये भी एक विशेषता हो गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों विशेषण क्या हुआ, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते होंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि श्याम ने पानी पिया, ठीक है, ये वाक्य है, श्याम ने पानी पिया, लेकिन मैंने इसके नीचे लिख दिया, देखो इसमें ये क्या है, ये संज्ञा है, श्याम पानी पिया, पानी कर्म हो गया और पिया हो गई क्रिया। अब मैंने यहां पे लिख दिया श्याम ने 2 लीटर पानी पिया। तो यहां पे देखो पानी तो उसने पिया था, लेकिन कितना पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया। तो ये उसकी विशेषता हो गई कि उसने 2 लीटर पानी पिया। और यहां पर यह कौन सी विशेषता हो गई, संख्यावाचक विशेषता हो गई। तो इस प्रकार से अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे विशेषणों के भेदों के बारे में या विशेषणों के प्रकारों के बारे में, तो वहां पे आपको डिटेल्स में अभी इस प्रकार से समझाया जाएगा। तो श्याम ने 2 लीटर पानी पिया, ये उसकी विशेषता हो गई। वैसे आप में से कोई प्रयास मत करना एकदम से 2 लीटर पानी पीने का, ठीक है, पेट दर्द हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये तो आप समझ गए विशेषण। अब एक अन्य यहाँ पे शब्द आता है दोस्तों, विशेष्य। विशेष क्या हुआ, तो विशेष होता है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। अब विशेषता, अभी मैंने आपको बताया कि विशेषता हम किसकी बताते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी प्राणी की, किसी वस्तु की। और ये क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। यानी विशेष क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को ही हम विशेष क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। जिन शब्दों की हम क्या बताते हैं, विशेषता बतलाते हैं। और विशेषता हम किसकी बतलाते हैं दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम की। तो जहां पे, जिस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही होगी, वहां पे वो संज्ञा और सर्वनाम भी क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। उदाहरण अगर मैं आपको यहाँ पे दूं, क्योंकि मैं प्रत्येक जो भी यहाँ पे टॉपिक होता है उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने लिख दिया यहाँ पे लिख दिया मैंने, लाल टमाटर खाना चाहिए, लाल टमाटर खाना चाहिए। अब यहां पे देखो टमाटर, ये क्या है, यहां पे संज्ञा है।
और टमाटर कैसा है? लाल। तो ये तो हो गई इसकी विशेषता, यानी ये विशेषण हो गया लाल। और ये विशेषण यानी ये लाल विशेषता किसकी है? ये लाल, लाल कौन है? तो लाल है टमाटर, जो कि संज्ञा है। यानी हम विशेषता किसकी बतला रहे हैं? टमाटर की बतला रहे हैं। तो यहां पे टमाटर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप इधर देखोगे, यहां पे लंबा क्या है? ये विशेषण है, जो मैंने यहां पे ब्लैक कर रखे हैं वो विशेषण है। लेकिन वो विशेषता किसकी है? वो है लंबा कौन है? महेश है। तो महेश यहां पे क्या है? विशेष्य है। महेश संज्ञा है, और संज्ञा और सर्वनाम जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। यहां पे श्याम विशेष्य है, यहाँ पे घोड़ा क्या है? विशेष्य है। यहाँ पे वह क्या है? विशेष्य है। अब एक और शब्द आता है दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। वो शब्द है दोस्तों यहाँ पे प्रविशेषण, प्रविशेषण। अब ये प्रविशेषण क्या हुआ? तो देखो, विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहां पे लिख रहा हूं। मैंने लिखा गीता सुंदर है, तो यहां पे गीता क्या है? विशेष्य है। और इसकी इसका विशेषण क्या है? तो सुंदर। गीता कैसी है? सुंदर है, ये इसकी विशेषता हो गई। अब मैंने नीचे लिख दिया यहां पर गीता बहुत सुंदर है। गीता सुंदर तो है, लेकिन कैसे सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो यहां पे जो बहुत शब्द है ये इस सुंदरता की क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। एक तो हो गया सुंदर, ठीक है, सुंदर है यानी नॉर्मल होगा, नॉर्मल सुंदर होगा। एक हो गया बहुत सुंदर, यानी वो सुंदरता की भी विशेषता बतला रहा है। और सुंदरता यहाँ पे क्या है? विशेषण है। और विशेषण की जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को कहा जाता है दोस्तों प्रविशेषण। यानी यहाँ पे जो बहुत शब्द है वो क्या हो गया है? प्रविशेषण हो गया है। अब यहां पे भी आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। यहां पे देखो, वह बहुत सुंदर है, वह यहां पे विशेष्य हो गया, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। इसका विशेषण क्या है? वो है सुंदर। और सुंदर वो कैसा है? बहुत सुंदर है। तो सुंदरता की भी विशेषता कौन बतला रहा है? ये बहुत शब्द बतला रहा है, यानी बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक और उदाहरण दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और इसमें आपको क्या पहचानना है? इसमें आपको विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण पहचानना है। मैंने लिखा यहां पे रमेश बहुत होशियार है। तो इसमें आपको बताना है कि विशेष्य कौन सा है, विशेषण कौन सा है, और इसमें प्रविशेषण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि रमेश बहुत होशियार है, इसमें विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेदों से या विशेषण के प्रकारों से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे हर टॉपिक इतना कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि उसको पढ़ने के बाद में आपको जरूरत ना हो। और हाँ, ये मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एमसीक्यू आप जरूर प्रैक्टिस करें और रिवीजन लगातार करते रहें। अगर आपके पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं है तो कितना भी आप पढ़ लें, आप दो दिन पढ़ते हो फिर पढ़ाई छोड़ देते हो, तो आप दोस्तों आपकी सफलता आपसे दूर चलती जाएगी। तो इसलिए लगातार कंटिन्यू रखें पढ़ाई, और इसलिए हम भी लगातार यहाँ पे आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। कंटिन्यू आपके लिए लगभग दो दो वीडियो आजकल आ रही है, मॉर्निंग में भी आ रही है और शाम को भी कोई ना कोई वीडियो आपके लिए जरूर यहाँ पे हम ला रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हिंदी की प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है तो हमारी हिंदी की ईबुक है, डिटेल्स का पीडीएफ विद प्रत्येक चैप्टर के, उसमें एमसीक्यू दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं विशेषण के भेदों की। तो सबसे पहला भेद आता है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण नाम से ही लग रहा है कि इसमें गुण होगा, तो गुणों की विशेषता होगी उसमें। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा के गुणों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं गुणवाचक शब्द। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, अब देखो गुणवाचक में कौन कौन से आते हैं? गुण हो गया, वो दोष भी हो सकता है कोई, साथ साथ उसकी स्थिति, उसका रूप हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, तो ये सारी चीजें, उसका आकार, उसका काल,
तो ये सारे जो यहाँ पे मतलब ये आते हैं सारे के सारे गुणवाचक विशेषण में। अगर आपको किसी भी संज्ञा का गुण पता चल रहा है, दोष पता चल रहा है, उसकी स्थिति, उसका रूप, उसका रंग, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, गुणवाचक विशेषण में आ रहे हैं। उदाहरण अगर आप इनका देखते हैं, देखो वह अच्छा लड़का है, वह लड़का कैसा है, अच्छा, ये उसका गुण हो गया। रमेश झूठा लड़का है, ये उसका कोई गुण, वो ये उसका दोष है, क्योंकि झूठा होना कोई अच्छी बात नहीं है, तो ये उसका दोष है, और दोष भी किस में आ गया, गुणवाचक विशेषण में आ गया। ये पेड़ बहुत लंबा है, तो ये जो लंबाई है वो उसका क्या है, गुण हो गया, क्योंकि वो पेड़ कैसा है, लंबा है। और यहाँ पे जो बहुत हो गया, ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, लंबा यहाँ पे विशेषण हो गया, और जो विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है उसे कहा जाता है प्रविशेषण। तो बहुत यहाँ पे क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। कई बार एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, वाक्य दे दे आपको, और प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि निम्न में से निम्न वाक्य में बताइए कि प्रविशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी लंबा पे कर देते हैं, उनको लगता है कि जो लंबा है ये प्रविशेषण है, जबकि ये विशेषण है, और विशेषण की भी जो विशेषता बतला रहे हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, वह सफेद घोड़ा मेरा है, तो सफेद क्या हो गई, सफेद रंग हो गया, और रंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है वो गुणवाचक विशेषण में आता है। मेरी घड़ी पुरानी हो चुकी है, तो उसकी विशेषता क्या है, वो पुरानी हो चुकी है, तो पुराना किसमें आ गया, उसका गुण है वो। तो ये सारे के सारे दोस्तों गुणवाचक विशेषण आपको इस प्रकार से समझना है, जो शब्द संज्ञा के या सर्वनाम के गुण, दोष, स्थिति, रूप और रंगों के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें कहा जाता है, या उनकी गुण, दोष, स्थिति, रूप, रंग का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। खैर ये गुणवाचक विशेषण समझना इतना कठिन नहीं है। अब बात करते हैं, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे जहां पे आपको सीधा संख्या दिखे वहां पे आपको लगा देना है कि वहां पे संख्यावाचक विशेषण है, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध करा रहे होंगे। संख्यावाचक विशेषण अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिखिए, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, किसकी संख्या का, संज्ञा और सर्वनाम की, क्योंकि हम विशेषता किसकी बतला रहे हैं, जो विशेष है यानी जो संज्ञा और सर्वनाम है, तो इन्हें कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देखो आप यहाँ पे, मोहन कक्षा में तीसरे स्थान पर आया, तो ये भी एक क्या होगी, संख्या हो गई, किस स्थान पर आया वो, तीसरे स्थान पर आ गया वो। तो मोहन का जो स्थान है, जो संख्या है, मतलब कक्षा में जो स्थान है, तो स्थान की जो संख्या है मोहन की वो तीसरी है, तो ये मोहन की संख्या का बोध करा रहा है, यानी संज्ञा की संख्या का बोध करा रहा है, तो तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। प्रतियोगिता में कई लड़कियां शामिल हैं, तो देखो कई भी यहाँ पे क्या है, कहीं ना एक कहीं क्या है, वो एक संख्यावाचक विशेषण है। अब ये कई संख्यावाचक विशेषण कैसे है, क्योंकि देखो कई का मतलब ये है कि उनकी कुछ संख्या तो है लेकिन हमें उन संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, हमने वो गिन नहीं रखी है, इसलिए हम कह देते हैं कई बार, जैसे हमने कटोरी में कुछ आम रखे हैं, हमने बोला इसमें कुछ आम है, लेकिन हम मतलब बताने में हम संख्या चाह रहे हैं लेकिन हमने वो संख्या गिनी नहीं है। अब जो इस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण की भी दोस्तों क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं, एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक, तो जैसे यहाँ पे तीसरा है, ये हमें पता है कि मोहन का स्थान कौन सा है, 1, 2, 3, यानी ये तीसरा वाला है, तो ये तो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन कई हमें पता नहीं है कि लड़कियां तो वहां पे बहुत सारी हैं, कई लड़कियां हैं वहां पे शामिल, लेकिन उनकी एग्जैक्ट संख्या क्या है ये हमें मालूम नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर अभी हम संख्यावाचक विशेषण के भी आगे प्रकार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रकार हैं संख्यावाचक विशेषण के। तो यहां तक आप समझ गए, कोई दिक्कत दोस्तों आपको यहां तक नहीं है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। चार व्यक्ति आ रहे हैं, देखो व्यक्ति तो आ रहे हैं लेकिन वो कितने हैं, तो चार हैं, तो चार उनकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, और वो किस प्रकार की विशेषता है, क्योंकि उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो चार है और चार क्या है, संख्या है, तो ये संख्यावाचक उनकी विशेषता हो गई। सुरेश कक्षा में पहले स्थान पर आया और रमेश ने चारों दोस्तों को बुलाया। तो ये तो संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण थे। अब आगे देखो आप,
संख्यावाचक विशेषणों के भी कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार है? तो एक तो हो गया निश्चित संख्यावाचक, जिसमें हमें संख्या का निश्चित पता चल जाता है। जैसे मैंने कहा वहां पे दो लड़कियां शामिल है, रमेश ने 4 आम खाए। अब जैसे मैंने यहां पे दूसरा उदाहरण दे दिया, श्याम ने कई आम खाए। अब कई का मतलब मुझे पता नहीं है कि कितने आम खाए, लेकिन है तो कुछ ना कुछ संख्या तो होगी जरूर। लेकिन मैंने वहां पे कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? कई। यानी यहां पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि मुझे वो संख्या मालूम नहीं है, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। तो खैर पहले हम यहां पे इसको मिटा देते हैं और पहले हम बात करेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषणों की। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत यहां पे आते हैं पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण कौन होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब जो पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे मैंने कहा रमेश ने 1 आम खाया, श्याम ने 2 सेब खाए, तो हमें पूर्ण संख्या का पता चल रहा है, एग्जैक्ट हमें पता चल रहा है कि उन्होंने कितने आम खाए। तो ये उनकी विशेषता है कि उन्होंने 2 आम खाए और संज्ञा की संख्या का हमें पता चल रहा है। तो कुल मिला के यहां पर बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि ये पूर्णांक है, इससे हमें पूर्ण संख्या पता चलती है, 1, 2 हमें फिक्स पता है, तो ये पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण हो गए। अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करें तो जैसे आधा हो गया और ढाई हो गया, तो ये क्या हो गए? ये अपूर्णांक हो गए। पूर्ण कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण हो गए, और ये अपूर्णांक आधा और ढाई। श्याम ने आधा सेब खाया, मेरे पास 2.5 रुपए हैं, तो 2.5 रुपए आप गिन थोड़ सकते हैं, आप 2.5 रुपए नहीं गिन सकते हैं, लेकिन आपके पास 2.5 रुपए है, ये आप ये अपूर्णांक संख्यावाचक हो गए। या किसी भी उसका रेट अगर 2.5 रुपए होता है तो आप 2.5 रुपए देते नहीं है, या तो दुकानदार उसके बदले आपको टॉफी देता है या कुछ इस प्रकार से कुछ वस्तु आपको दे देता है उस मूल्य की। अब 2.5 रुपए वैसे भी चलता नहीं है, क्योंकि पहले तो 50 पैसा चलता था, फिर आप उसको 2.5 रुपए 2 में 50 पैसे इंक्लूड करके उसको 2.5 रुपए बना सकते थे। खैर वो अलग मैटर है। अब हम आगे यहां पे बात कर रहे हैं क्रमवाचक है जो, तो क्रमवाचक में आपका आता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से। वो पहले स्थान पर है, वो दूसरे स्थान पर है, तो ये क्रमवाचक हो गया। आवर्तीवाचक की अगर बात करें तो आवर्ती में जैसे कि दुगुना हो गया, चौगुना, श्याम राम से चौगुना खाना खाता है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई कि वो चौगुना ज्यादा खाता है। और ये चौगुना किस प्रकार की विशेषता है? तो ये संख्यावाचक विशेषता है, संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण में भी चौगुना किस प्रकार का विशेषण है? तो आवर्तीवाचक संख्यावाचक, आवर्तीवाचक निश्चित संख्यावाचक ये विशेषण हो जाएगा। उसके बाद समूहवाचक, तो समूहवाचक में जैसे तीनों, चारों, हम चारों दोस्त आ रहे हैं, दोस्त कितने आ रहे हैं? तो चारों दोस्त आ रहे हैं, समूह में आ रहे हैं, तो ये समूहवाचक विशेषण हो गया। प्रत्येक बोधक, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को दौड़ना है, प्रत्येक व्यक्ति को दौड़ना है, तो यहां पे ये प्रत्येक बोधक, जो प्रत्येक व्यक्ति का बोध करा रहा है, प्रत्येक संज्ञा या सर्वनाम का बोध करा रहा है, तो ये प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम हो गए, सॉरी विशेषण हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें हमें निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है, जैसे कुछ व्यक्ति खा रहे हैं, कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, या कुछ व्यक्ति खा रहे हैं, कुछ व्यक्ति खेल रहे हैं, हमें निश्चित पता नहीं है कि कितने व्यक्ति आ रहे हैं, कितने व्यक्ति खेल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कुछ, क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं? सारे बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या हमें ज्ञात नहीं है। तो जहां पे हमें निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होगी, वहां पे इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, कुछ, सारे, अनेक, असंख्या, और इन्हें कहा जाएगा अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये तो संख्यावाचक विशेषण के प्रकार थे। तो हमने विशेषण के 2 प्रकारों के बारे में अभी तक चर्चा की, और आगे हम बात करते हैं तीसरा, जो विशेषण का प्रकार है वो है
परिमाण बोधक विशेषण। अब परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है इसको समझने में बहुत सारे अभ्यर्थियों को काफी दिक्कत होती है, वो परिमाण का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो परिमाण का अर्थ आपको ये लगाना है मात्रा, आपके पास कितना परिमाण आया, परिमाप। परिमाप तो आपने सुना होगा, परिमाप से आपको लगाना है। देखो मैं यहां पे सिंपल आपको समझाने का प्रयास करता हूं। परिमाप और परिमाप का मतलब माप और माप से मात्रा, तो माप या मात्रा आपको इसमें ध्यान रखनी है। मात्रा यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी आपके पास कितनी है। तो जब क्वांटिटी या मात्रा या माप का बोध जो शब्द कराते हैं उन्हें कहते हैं परिमाण बोधक विशेषण। परिभाषा आप ले सकते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण या मात्रा या माप का बोध कराते हैं उन्हें कहा जाता है परिमाण बोधक विशेषण। वैसे परिभाषा आपको जो इसकी डिटेल्स पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पे आपको प्रत्येक टॉपिक के डिटेल्स में परिभाषा भी मिल जाएगी। अब देखो परिमाण बोधक विशेषण भी यहाँ पे दो प्रकार के हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित जैसे 2 किलो चीनी लेकर आओ, देखो यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है चीनी की या माप कितनी है चीनी की या परिमाण कितना है चीनी का, वो है 2 किलो। तो 2 किलो क्या है, इसका क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ये जो 2 किलो है ये चीनी की क्या कर रहा है, परिमाण के बारे में बोध करा रहा है, उसकी मात्रा के बारे में बोध करा रहा है, यानी 2 किलो क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। तो जहां पे भी आपको क्वांटिटी या मात्रा या माप दिखता है वहां पे आपको क्या कर देना है, परिमाण बोधक विशेषण कर देना है। राम 5 किलो आम लेकर आना, तो कुल मिलाकर ये निश्चित परिमाण बोधक है जिसमें हमें निश्चित माप या निश्चित मात्रा का हमें पता चल रहा है, निश्चित क्वांटिटी का हमें पता चल रहा है, क्योंकि 2 किलो हम माप सकते हैं, 5 किलो भी हम माप सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो अनिश्चित परिमाण बोधक है, जैसे थोड़ा दूध लेकर आना, अब वो थोड़े में कितना भी आ सकता है, न जाने वो 100 ग्राम आए, सॉरी 100 ml आए, या वो आधा लीटर भी आ सकता है, वो 1 लीटर भी आ सकता है, वो 500 ml, 400 ml, कितने भी आ सकता है। तो थोड़ा दूध लेकर आना यानी निश्चित यहाँ पे उसकी माप नहीं है, निश्चित उसकी मात्रा नहीं है, और जहां पे निश्चित माप और मात्रा नहीं होती है वहां पे सदैव अनिश्चित परिमाण बोधक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, क्योंकि ये निश्चितता माप नहीं बता रहा है, ये अनिश्चित माप बता रहा है। पीने के लिए थोड़ी पानी लाओ, तो इस प्रकार के विशेषण क्या कहलाते हैं, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया। अब एक अंतर आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण में अंतर क्या है। संख्यावाचक में क्या है दोस्तों कि वहां पे हम जिन शब्दों की गिनती की जा सके उनकी गणना का बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाता है संख्यावाचक। क्योंकि यहाँ पे देखो संख्यावाचक के जब भी आपने उदाहरण देखे होंगे, मोहन कक्षा में 3रे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, 4 व्यक्ति आ रहे हैं, 1 2 3 4 गिनती हो रही है। सुरेश कक्षा में 1ले स्थान पर आया, तो जब भी वहां पे गिनती होगी तो वहां पे संख्यावाचक विशेषण होगा। जबकि जहां पे क्या होगा, जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके तो वहां पे कौन सा विशेषण होगा, परिमाण बोधक विशेषण होगा। 2 किलो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे पीछे तो 2 दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं कि ये 2 तो संख्यावाचक है, लेकिन 2 के साथ साथ किलो भी यहाँ पे लिखा है, यानी वो माप को इंगित कर रहा है कि वहां पे 2 किलो है। तो जहां पे क्या होगा, जहां पे नाप या तोला जा सकेगा जिन वस्तुओं को, तो उन्हें क्या मतलब वहां पे क्या होगा, परिमाण बोधक विशेषण होगा। तो माप जहां पे होगा वहां पे परिमाण बोधक, और जहां पे गिनती होगी वहां पे क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि यहाँ पे देखो 4 व्यक्ति आ रहे हैं, तो 4 यहाँ पे क्या है, देखो यहीं पर मैं एक मतलब अच्छा डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। 4 व्यक्ति आ रहे हैं और मैंने कहा 4 किलो आम ले आना, अब 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, तो 4 व्यक्ति आ रहे हैं, यहाँ पे हम उन व्यक्तियों को गिन सकते हैं, या 100 व्यक्ति आ रहे हैं, और मैंने सीधे कहा 4 किलो आम लेके आना, तो यहाँ पे मैंने माप के लिए बोला, यानी वो तोल के लाने हैं, गिन के नहीं लाने हैं 4 किलो, क्योंकि गिन तो कोई सकता ही नहीं है, 4 गिन सकता है, लेकिन अगर आपको बोल दिया कि 4 किलो आम गिन के लाओ,
तो जब तक आपने 4 किलो तोले नहीं, तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि किलो में, 4 किलो में कितने आम आएंगे। तो यहाँ पे होती है माप और यहाँ पे होती है गिनती, बस इतना सा छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण में। अब आगे बढ़ते हैं और जो अंतिम विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण, बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा विशेषण के प्रकारों में से। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये सार्वनामिक विशेषण क्यों है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो सार्वनामिक शब्द है उन्हें कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक शब्द कौन होते हैं? जैसे यह हो गया, वह, ये, वे, ये क्या है दोस्तों? ये सार्वनामिक शब्द है, यानी ये सर्वनाम है। जैसे यह क्या है? सर्वनाम है। राम आ रहा है या वह आ रहा है, राम की जगह हम वह का प्रयोग करते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में, इसलिए पहले ही मैं उनको पढ़ा चुका हूं आपको सर्वनाम को, और वहां पे भी मैंने यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण के बारे में वहां पे थोड़ा सा मैंने चर्चा वहां पे जरूर की थी। तो यह, वह, वे, ये शब्द क्या होते हैं? सार्वनामिक होते हैं, लेकिन कई बार यही शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो इसलिए इन शब्दों को कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण शब्द, क्योंकि ये सर्वनाम तो है ही और साथ ही साथ ये विशेषण का काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। या हम इनको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं या विशेषण के रूप में वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखो, यह किताब मेरी है, तो इसमें विशेषता क्या है? मतलब ये जो शब्द है, मैंने कहा किताब मेरी है और मैंने कहा यह किताब मेरी है, तो यहां से मतलब ये निश्चित हो गया कि यह किताब मेरी है, यानी किताब की विशेषता क्या हो गई कि ये मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, वो इसकी विशेषता हो गई। वह घर गीता का है, कोई व्यक्ति रो रहा है और वह कौन आदमी आ रहा है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि ये जैसे यह किताब मेरी है, इसमें इस बात का अनुमान भी हम लगा सकते हैं कि इसमें निश्चित यहाँ पे क्या हो सकता है, ये इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। लेकिन मैंने वहां पे आपको एक अंतर बताया था और वो अंतर ये है, यहाँ पे मैं लिख के आपको दे रहा हूं कि जिस संज्ञा की ओर हम इशारा किया जा रहा है, यदि उस संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए तो उस सर्वनाम को क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। यह किताब मेरी है, अगर यहां पे यह शब्द लिखा रहेगा यह मेरी किताब है और एक शब्द है यह किताब मेरी है, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन मैंने यहां पे बीच में मेरी लिख दिया और यहां पे किताब के बाद मेरी है, तो संज्ञा यहां पे कौन है? किताब है, यह मेरी किताब है। मतलब इशारा हम किसकी ओर कर रहे हैं? किताब की ओर कर रहे हैं, कि जैसे आपने टेबल पे एक किताब है आपकी और आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि यह मेरी किताब है, तो आप इशारा किसकी ओर कर रहे हैं? किताब की ओर, यानी यह का प्रयोग आप किताब के लिए कर रहे हैं और किताब यहाँ पे संज्ञा है। तो जब भी जिस संज्ञा की ओर आप इशारा कर रहे हैं उस संज्ञा के ठीक पहले सार्वनामिक शब्द आता है, सर्वनाम आता है, तो वहां पे वो सार्वनामिक शब्द क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। लेकिन अगर वो उसके ठीक पहले नहीं आता है तो तब उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो ये संज्ञा के ठीक पहले नहीं है और यहां पे ये संज्ञा के ठीक पहले है, तो जब भी क्या होगा दोस्तों, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो कुल मिला के आप ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी सर्वनाम जो शब्द होता है वो संज्ञा के ठीक पहले प्रयोग होगा तो वो हमेशा वो सर्वनाम शब्द क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे किताब से पहले यह का प्रयोग हो रखा है, यह यहाँ पे क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। वह घर, घर यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम का प्रयोग हो रखा है तो यहाँ पे यह सर्वनाम नहीं बल्कि सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई व्यक्ति रो रहा है, व्यक्ति यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, और व्यक्ति से ठीक पहले कोई का प्रयोग हो रखा है तो कोई यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और वह कौन आदमी आ रहा है? आदमी से ठीक पहले यहाँ पे क्या आ गया? सर्वनाम आ गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा।
तो संज्ञा से पहले जब भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इतना सा अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करेंगे कि ये लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आज आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है विशेषण और विशेषण के भेद वाला जो ये लेक्चर है। विशेषण और विशेषण के चारों भेदों को हमने यहाँ पे डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा और साथ साथ इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और लेक्चर और सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।